Assalamu alaikum and good morning, students of class 7. In previous video, we have completed chapter number 7, the story of Kesh, and now we are going to start chapter number 9, A Voice in the Dark. अंधेरे में एक आवाज़. ये कहानी, ये स्टोरी लिखी किसने है? इस स्टोरी के ऑथर हैं W.H. Davis. Davis ने ये कहानी क्यों लिखी थी? क्या वजह थी? ये स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी में शामिल है. ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? जिसमें लिखने वाला यानी कि राइटर ख़ुद अपनी कहानी लिखे, जिसको उर्दू में कहते हैं आप बीती. कि राइटर पर क्या क्या गुजरी, क्या क्या एक्सपीरियंस उसने ज़िंदगी में हासिल किए थे, क्या क्या देखा था, ये सब वो अपनी किताब में लिखते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो ये कहानी है दो दोस्तों की, जो दोस्त बहुत गहरे थे. आइए शुरू करते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है. सर्दी बहुत ज़्यादा थी. एक हफ़्ते के बाद वो लोग ओटावा पहुँचे. अब ये ऑटोबायोग्राफी है तो इसे हम राइटर की ज़ुबानी सुनते हैं कि राइटर ने इसे किस अंदाज में बताया है, कि उनकी आप बीती है, उनके ऊपर गुजरी है. मुझे स्लो ट्रैवलिंग यानी कि मुझे कम रफ़्तार ट्रेनें कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि इस ट्रेन से छलांग लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेन में चढ़े हुए थे. तो हम दोनों ने ट्रेन से छलांग लगा दी और एक छोटे स्टेशन पर रुक गए. वो स्टेशन बरायनाम स्टेशन था. इस इलाके का नाम रेनफ्रियू था. अब हम अगली ट्रेन का इंतज़ार करने लगे, जिसके आने में अभी 20 मिनट बाकी थे. 20 मिनट बाद ट्रेन आ गई और लोग जगह बना रहे थे चढ़ने के लिए. सब अपना अपना सामान अंदर रख रहे थे. इसके बाद हमने सीटी की आवाज़ सुनी. इसका मतलब था कि ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, चलने वाली है. ये स्टीम इंजन था चलने वाला, यानी कि धुएं से चलती थी बगैर किसी शोर के. मैंने अपने दोस्त से कहा कि जैक, दोस्त का नाम था जैक, आ जाओ, वक्त ज़ाया नहीं करो. और हम जिस खाली गाड़ी में वक्त गुजारने के लिए बैठे हुए थे, वहाँ से हमने छलांग लगा दी. ये ट्रेन बाकी ट्रेन के मुकाबले में बहुत तेज़ चल रही थी. लग भी रही थी कि ये तेज़ चलेगी, और ये थी भी मालगाड़ी. अपने दोस्त से कहा कि पहले तुम छलांग लगाओ, क्योंकि मेरा हाथ ज़ख्मी है. तो ट्रेन हल्की हल्की चलने लगी. मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, ट्रेन की स्पीड तो और तेज़ हो गई. मेरे दोस्त ने ट्रेन का हैंडल पकड़ लिया और मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा था. और ट्रेन चलती जा रही थी और मैं इतना पीछे रह गया कि ट्रेन चली गई और मेरा दोस्त उसी ट्रेन में चला गया. तब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे तब भी नहीं पता था कि हुआ क्या है. मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे खड़ा होने से रोक रही थी. बैठते हुए मैंने ऊपर की जानेब अपने आप को देखना चाहा और पता चला मेरा दायां पांव, यानी कि जो मेरा राइट फुट था, वो टखने से अलग हो गया था, यानी कि टूट चुका था. मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई और ना ही मुझे दर्द महसूस हुआ, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है. एक आदमी पटरियां क्रॉस कर रहा था. मैंने उसे चीख कर आवाज़ दी, वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसने मेरी तरफ़ नहीं देखा. मैंने दोबारा उसको आवाज़ दी, लेकिन वो गोली की तरह इतनी तेज़ भाग गया कि वो मेरी तरफ़ आया ही नहीं. कुछ हफ्ते गुजर गए. बहुत लोग बेचैन थे कि वो आदमी कौन था, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला. उसके बाद एक और आदमी आया और जो वहाँ पर काम करता था. मैंने उसको चीख कर आवाज़ दी, उसने मेरी आवाज़ सुनी और भाग कर आया. और उसके बाद फिर वो और लोगों को भी ले आया. बहुत सारे लोग जमा हो गए और कुछ डॉक्टर को बुलाने चले गए. अब इतने सारे लोग जमा थे तो मैं कैसे सुकून में रह सकता था. मैंने अपना सिगार निकाला और मुंह में डाल लिया. और फिर मेरे इंसिडेंट की कहानी अखबार में भी छप गई कि मेरे साथ हुआ क्या था. अब जो ये कहानी के राइटर हैं W.H. Davis, इन्होंने सचमुच, मैंने आपको कहा ना ये ऑटोबायोग्राफी आप बीती है, जो इन राइटर के साथ हुआ इन्होंने वही अपनी किताब में लिखा है. इनका जो पैर था वो एक एक्सीडेंट में कट गया था, और वो एक्सीडेंट कौन सा था, वो यही इंसिडेंट था, यही हादसा था जो मैंने आज इसकी आपको कहानी सुनाई है. हॉस्पिटल ले जाया गया, इनके दो ऑपरेशन हुए, इनकी टांग को बालाखिर काटना पड़ा. घुटने के पास से इनकी टांग को काट दिया. जब वो कुछ बेहतर हुए तो वो वापस इंग्लैंड आ गए. यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी और अपने इंसिडेंट्स को, अपने हादसात को और अपने एक्सपीरियंसेस को इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा, जिसकी हम अभी
रीडिंग कर रहे थे या जिसकी हम अभी स्टोरी सुन रहे थे। तो यही आपकी स्टोरी है, द वॉइस इन द डार्क, अंधेरे में एक आवाज़। वो किसकी आवाज़? आवाज़ थी जिसका पैर कट गया था। तो आपने ये करना है कि आपने इसकी रीडिंग करनी है, यानी नेक्स्ट वीडियो हम आपसे इसकी वर्किंग शेयर करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।